नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट निक क्लेग ने बताया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 22 लाख विज्ञापनों को रद्द किया जा रहा है, साथ ही 1,20,000 उन पोस्ट को हटाया गया जो वोटिंग में बाधा डाल सकती थी। गलत जानकारी देने को लेकर 150 मिलियन पोस्ट पर चेतावनी भी जारी की गई है। 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में फेसबुक पर वोटरों को भ्रमित करने का आरोप लगा था। उस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए थे, जिसके बाद फेसबुक लगातार सावधानी बरत रहा है। 2016 में ब्रिटेन में भी जनमत संग्रह के दौरान इसी तरह की समस्या देखने को मिली थी। निक क्लेग ने कहा है कि 35,000 कर्मचारी हमारे प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा की देखरेख में जुटे हैं, जो चुनाव में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। जानकारियों की तस्दीक के लिए हमने 70 विशेषज्ञ मीडिया समूहों से पार्टनरशिप की है, जिसमें से 5 फ्रांस में हैं। तो अमेरिका में चुनाव को लेकर अब फेसबुक और इंस्टाग्राम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।